Assalamu alaikum everybody. Walaikum salam Fahd bhai. Welcome to FSC Entertainment. Yes Fahd bhai. मोहम्मद भाई लोग बहुत कहते थे कि भाई एमडी 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 जाता रहता है, दूसरी वीडियो डाल. हाँ. अब जब दूसरों की वीडियो डालता हूँ पब्लिक क्लिक भी नहीं करती है, व्यूज भी नहीं आती है. हाँ. अब उन बीच में जब एमडी की वीडियो डाल दूं मैं. हाँ. तो धड़ाधड़ व्यूज आती है माशाल्लाह. तो पब्लिक को परहेज भी है आपसे और देखना भी है, ये क्या असमंजस की स्थिति है बताओ आप लोग. पता नहीं यार, जलने वाले भी देख लेते. हाँ. और क्या बोलो, कुछ बोल ही नहीं सकते बाद में. ये बड़े क्यूरियस मॉन्गर्स क्या बोलते हैं, अजीब ही लोग हैं. वो आपसे नफरत भी करते हैं बट आपको देखना भी चाहते हैं. एक्चुअली मेरे से नफरत नहीं करते, जो मेरे बकरे तैयार हुए ना उस चीज से नफरत करते हैं कि तैयार कैसा हो. और किस चीज से नफरत है कि और इतने पलाई पे बकरे आए कैसा, इसका इंस्टा इतना ग्रो कैसे हुआ, इसके रील्स अच्छे कैसे जा रहे. FSA पे भी ऑलरेडी MD गोट फार्म के वीडियोस चलते हैं फाद भाई, मैं खुद भी जा जाके देखता हूँ. कितने मिलियंस में है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह. आपके हम तो सिर्फ इंस्टाग्राम देख रहे हैं, हमारी फेसबुक पे मिलियंस में जा रही है काफी रील फाद भाई. ये पट्टे के अंदर मैं बोला हूँ ना, सीजन के टाइम पे 10 से 15 नए फार्म खुलते हर साल का सीन है और बंद भी होते फाद भाई. जी जी, टिका रहना बहुत बड़ी बात है और टिका हूँ मैं मेरे कस्टमरों के वजह से, मेरे रिजल्ट के वजह से. फाद भाई मोहम्मद भाई के फार्म पे मैं बता दूँ तकरीबन 500 के ऊपर बकरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. बकरे 500 के ऊपर नहीं आते अगर बकरों में रिजल्ट नहीं होता. नहीं होता, लोग कहेंगे से प्रमोशन के ऊपर दम के पैसा डाला है, इसने डाला है, श्याम भाई ने डाला, लेकिन एक बार कोई आएगा बार बार नहीं आएगा. सिंपल है. एंड आई बीन हियर फॉर इंस्टेंस, टेक सलीम नोमानी फॉर इंस्टेंस. He has been here for 2-3 years. हाँ, आराम से जब से फार्म स्टार्ट हुआ तब से. सिमिलरली मम्मी, सिमिलरली हमजा, आई मीन आई एम श्योर ये लोग भी. अरे बकरे हैं भाई, उनके भी बकरे हैं, बकरे हैं. विदाउट एनी बेनिफिट नोबडी कम्स हियर. है ना, बकरा बन रहा होगा बोल के. मोहम्मद भाई, तो क्योंकि पब्लिक बहुत उत्सुक थी हमारी वीडियोस देखने के लिए, सो हमने एक नई सीरीज शुरू की है. वी आर नॉट डूइंग फेस ऑफ चैलेंज बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. 45-46 डिग्री है, बहुत ज्यादा है. है ना? Yes. So, हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे, रील्स वगैरह, बट जब हरा भरा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा तब लाएंगे. ठीक है, अभी फिलहाल जो है हम निकाले हैं टॉप 100 अंडुल गोट्स. अंडुल गोट्स कोटा फार्म, एमडी गोट फार्म. कोई भी फार्म के लिए टॉप 100 निकालना इस बिग टास्क. उनके पास उतने बकरे होना चाहिए, होना चाहिए. और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 500 के ऊपर बकरे है. अल्हम्दुलिल्लाह. सो पिकिंग अप 100 वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. नहीं, आप रैंडम बकरा उठा दो आराम से फाद भाई. ठीक है, मैं दोबारा बता दूं कि भाई अगले साल के लिए आप पलाई पे बकरे भेज सकते हो. ठीक है, जगह ओपन है, जगह ओपन है नेक्स्ट ईयर के लिए. चार्ज मोहम्मद भाई बताएंगे. 50 के ऊपर है तो 3,850, 50 के अंदर है तो 3,500 फाद भाई. 3,500. और खसी बकरा, अंडुल बकरा, ऐसा कोई सेग्रीगेशन कुछ नहीं? कुछ नहीं, सारों का एक ही. सारों का. ठीक है, बकरियों का? बकरियों नहीं ले रहा. एनी वैक्सीनेशन चार्ज? कुछ भी हिडन चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं. काफी लोग है कैसा करते मालूम है फाद भाई, लाते कुछ बीमारी में लेके आते, बीमारी ठीक हो गई फिर मैं लेके आता, तो उसके वजह से मेडिसिन का जो चार्जेस है मैं क्यों भरते बैठूं. मेडिसिन का चार्जेस तो फिर उनसे बनता ही है ना. बिल्कुल सही बात है. yes. मोहम्मद भाई, इस सीरीज में बिकॉज़ वी आर नॉट डूइंग फेस ऑफ, हम फेस ऑफ में तो खैर 12-16 बकरे आते थे, अभी 100 बकरे आएंगे तो क्लाइंट को भी ये देखने, क्लाइंट को देखने मिलेगा फाद भाई. ये व्यूवर्स के लिए आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो ना उसके अंदर से. इस क्वालिटी के बकरे यहाँ पे है, आपको ऐसे बकरे तैयार करना है, सो गिव एमडी गोट फार्म अ चांस. यस फाद भाई, नोबडी इज फोर्सिंग यू, बट एटलीस्ट 3 महीने रख के आप देख सकते हो व्हाट इज रिजल्ट लाइक. रिजल्ट क्या है? ठीक है. yes, और 3,800 रुपए, राइट? 3,800 रुपए. ठीक है, शुरुआत करते हैं मोहम्मद भाई क्लाइंट के बकरों से. खूबसूरत क्लाइंट के, एक क्लाइंट अपने ही बेचे हुए बकरे फाद भाई. जी जी जी. लेफ्ट साइड में क्या नाम है ये बकरे का? टाइगर. और वो साइड का सूरमा 2. ठीक है, और पीछे जो लेके खड़े उनके वो सूरमा 2, वो सूरमा 3. वो अपने भाई मुस्तफिज भाई. मोहम्मद भाई, मुस्तफिज भाई हैज बीन वेरी हेल्पफुल, आई मीन सो हैज हमजा. अरे आज दावत में जाने की कुर्बानी दिया है बंदा, 12 बजे तक यही है वो. मोहम्मद भाई आपकी रील चल रही है इन लोग की वजह से भी, क्योंकि मैं देखा है. हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली. देखो फाद भाई, सीन क्या होता, मैं ये लोग को इसके लिए ले लेता हूँ, मैं कैमरा थोड़ा ढंग से ले लेता हूँ, नहीं तो फिर सीन हो जाता, मैं बाबा चलता हूँ तो मुस्तफिज भाई कहीं और कैमरा घुमा डालते. वो एक सीन था ना, अब मेरे को बनाना था रील्स तो ये बोलते अस्सलाम वालेकुम. चलिए मोहम्मद भाई, लेट्स स्टार्ट विद द गोट्स. मोहम्मद भाई, फाद भाई दो रात पे आया हुआ बच्चा अपने पास तैयार हुआ, नाम क्या है कस्टमर का? ताज भाई. ये आपका बकरा फेस ऑफ में तो नहीं उतारा? नहीं उतरा. उतरा है ना ये?
लेकिन तभी और अभी में काफी फर्क है। ये वो तो नहीं पिलाई पिलाई वाला, वो पिलाई वाला, वो अलग वाला है, वो अलग है। ये ताज भाई है, ताज भाई का बकरा है। सुरमा 41 हाइट पे माशाल्लाह। ये कौन सा सुरमा है? नया सुरमा 2। हाँ सुरमा 2, सुरमा 2। और ये टीम एमडी का है? हाँ टीम एमडी का, टीम एमडी का है। बिक्री के लिए अवेलेबल है? अवेलेबल है, टीम एमडी का मतलब अवेलेबल। ठीक है मोहम्मद भाई, क्योंकि ईद आ रही है, एक टेंटेटिव प्राइस बता दो। इसका नहीं बता सकता, बड़े बकरों का नहीं बता सकता फाद भाई, नहीं बता सकता। मेरे यहाँ, मैं कैमरा घुमाओ ना थोड़ा, रुको मैं आ रहा हूँ। मेरे यहाँ पे 35,000 से स्टार्ट है भाई, जिसको आना है आके लेके आ सकते हैं। आ गया मैं, बस 35,000 रुपए का ये बकरा तो डेफिनेटली लेंगे। हाँ तो स्टार्टिंग प्राइस 35,000 से स्टार्ट है मेरे पास। अच्छा मैं यही रुकूं, 35K से स्टार्ट है मेरे। कितने किलो का बकरा? वो आप देवनार का वीडियो देखे आज? वैसा तो मैं नहीं दूंगा, गरीबों का भला करूंगा। वैसा तो मैं भला नहीं करूंगा भाई, अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। 35K से स्टार्ट है, आप फार्म विजिट करो और लाइव आकर देखो। ठीक है, किसी ने मुझे क्या बोल दिया मालूम है क्या? आप देवनार की, देवनार में ऐसे लोगों से सवाल पूछ रहे हो, आप फार्मों फार्म के दल्ले बन गए हो। मैं लोगों को बता दूं, मोहम्मद भाई को भी उतने ही टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे हैरान कर देते हैं भाई ये, पूछ पूछ के हम लोग जवाब दे दे के थक जाते हैं। और एक अंडूल संभालना हमको पता है कैसा संभालते हैं हम लोग यार। मोहम्मद भाई आपके फैन बड़े वेट कर रहे हैं कि आपके दर्शन हो जाए देवनार बकरा मंडी में। इंशाल्लाह ये टाइम अपन साथ में जाएंगे, इंशाल्लाह मोहम्मद भाई डेफिनेटली टांग देते हो। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा टांग, ये टाइम साथ में जाएंगे। ठीक है लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो मुस्तफिज भाई लेके खड़े। हमजा भाई एक बकरा आप अगर हटा सकते हो तो एक ही बकरे पे फोकस रहेगा। मुस्तफिज भाई चला फिरा के बता सकते हो इफ यू डोंट माइंड? हाँ चला। नहीं नहीं मुस्तफिज भाई आपसे चलाओ ना, खाली लेके आप नहीं मारता है? नहीं नहीं, अरे वो नहीं मारता है फाद भाई, माशाल्लाह। क्या नाम है बकरे का? टाइगर। टाइगर भी है बिक्री के लिए, ताज भाई का टाइगर। टाइगर का पूछ रहे थे जो कस्टमर है, वो पूछ रहे थे कितना आएगा, कितना आएगा। अब आई डोंट नो, अगर वो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, ये भी हो सकता है भाई। फाद भाई दो दांत का लाया था जब मैं ये बकरा, और अपन ही बेचे हुए, अपने यही तैयार हुआ। अभी कितने उम्र का होगा? 2.5 साल का? नहीं नहीं लास्ट 1.5 साल, 1.5 साल का है फाद, 1.5 साल का, 1.5 साल का बकरा। 90 kg अप्रोक्सीमेटली, 100+, ये 100+ है माशाल्लाह। आप महोदय बोलेंगे ये इसके लिए ना, इन पे वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। हाँ मेरे यहाँ के बकरे, इनको क्या लगते है कम है वजन? सीन ऐसा है फाद भाई तुम्हारा, तो अप्रोक्सीमेट बोला। अरे हकीकत में बेजार हो गया तुम्हारे से भाई, या महीने में 3 किलो हमारी फड़ी आती है और तुम सीधा 107 किलो के बकरे को बोलते अंडर 19 है। 107 किलो का? अरे माशाल्लाह दूर से दिख रहा नहीं है, टेलीफोटो लेंस है ना। ओ मेरे भाई ने आज नया लेंस लिया, टेलीफोटो लेंस। ठीक है मोहम्मद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ये कस्टमर का आप बहुत करीब आ गए हो, आप बहुत करीब आ गए। थोड़ा रस्सी से पकड़ के घुमाओ ना उसको, हाँ रस्सी पकड़ो। मुस्तफिज भाई के चेहरे पे भय पहली बार देख रहा हूँ मैं, आप भयभीत भयभीत हो गए आप? नहीं नहीं अपने भाई है भाई, भयभीत नहीं हुए। आज जितना मेरा योगदान है हमजा को रुकाने में, उतना ही इनका भी है भाई। 40 हाइट पे बकरा तैयार हुआ, बकरा फाद भाई, और खूबसूरत है। दो वर्ड तो हमारे मुस्तफिज भाई भी बोलेंगे। मुस्तफिज भाई आपकी, मुस्तफिज भाई बकरे से पहले आपकी जर्नी बताएं, बिकॉज़ वी ऑलवेज टॉक अबाउट टीम एमडी, टीम एमडी। मैंने देखा हूं, आप माइक ले सकते हो जी, बोलिए ना। माइक ले सकता हूं मैं, समझ रहा हूं। मुस्तफिज भाई आपकी जर्नी बताइए, टीम एमडी के साथ आपका साथ कैसा रहा है और क्यों लोगों को यहाँ पे बकरे रखना चाहिए? भाई टीम एमडी के साथ मतलब एक ऐसा रहा कि मतलब अपनापन लगता है अभी। हम लोग ऐसा नहीं है कि मोहम्मद भाई का फार्म है, मतलब यही फील है कि हम लोग सबका फार्म है। और ये कभी हम लोगों को आज तक 3 साल होने आए तकरीबन, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मोहम्मद भाई की बात से या किसी चीज़ से मतलब, बल्कि कभी हम लोग अगर थोड़ा क्रॉस भी कर देना कि यार अच्छा नहीं लगता है, तो मोहम्मद भाई ये क्या बात हुई, तुम्हारा फार्म नहीं है क्या? एक्चुअली ये क्या बात हुई नहीं बोलता, मैं कुछ और बोलता हूँ। वो अभी बोल नहीं सकते, वो माइक पे नहीं बोल सकते। वो दोस्ती यारी में जो लैंग्वेज चलती है वो लैंग्वेज चलती है यहाँ पर, मतलब एकदम अपनापन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्यों, मैं ये मेरा ये सवाल था कि भाई क्यों रखना चाहिए लोगों को बकरे? आप लोगों को बताइए कि भाई एमडी गोट फार्म पे 2024-25 के लिए जगह है, प्लीज बकरे रखिए। क्यों रखिए आप बताइए भाई? क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे देखो, सब में पहली चीज तो सामने रिजल्ट आपको दिख रहा है और हर बकरे का रिजल्ट शो करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ का स्टाफ, जो स्टाफ ऐसा नहीं कि आज एक है तो कल दूसरा है तो कल तीसरा है, सालों साल से यही स्टाफ दिख रहा है आपको। साकिर को सब लोग जानते हैं, साकिर खुद यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट करता है, डॉक्टर करता है। खुशबू खुशबू कर रही है, खुशबू ये खुशबू खुशबू है।
तो समझो 24/7 यहाँ पे डॉक्टर भी एक हिसाब से अवेलेबल है। किसी ने होता है बकरे को, किसी ने सही कहा था जैन गावड़े का, जब मैं इंटरव्यू ले रहा था वो बोल रहा था कि भाई इफ यू वांट टू नो कि हाउ गुड द ओनर इज मोहम्मद भाई, माइक ले लो आप, आ जाओ ना मोहम्मद भाई, आप लेके आओगे सुल्तान हम सर, आइए मोहम्मद भाई। इवन जैन गावड़े वाज सेइंग इन वन ऑफ द इंटरव्यूज कि भाई अगर आपको ओनर कैसा है वो जानना है तो जस्ट लुक एट द स्टाफ, कितने साल से टिका हुआ है। एंड टेक जाकिर भाई फॉर इंस्टेंस, जाकिर भाई आप यहाँ पर आओगे। जाकिर भाई आप इतने सालों से रुके हुए हो, जाकिर भाई कितना साल हो गया एमडी गोट फार्म? मैं जब से स्टार्टिंग था, जब वो एआरएम था तब से हो रहा आप। तो आपको बहुत लोगों ने पोच किया होगा कि भाई मैं फार्म खोल रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा पगार देता हूँ, आप मेरे पास आओ। आपने कभी ये कंसिडर नहीं किया क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत आसान है क्योंकि आप स्किल्ड लेबर हो, इतने फार्म खुल रहे हैं कि 5,000 ज्यादा देके आप कहीं भी नौकरी ले सकते हो, तो क्यों आपने ये चुना? मैं कभी भी एक जगह काम किया हूँ भाई, कभी भी दूसरा जगह काम करता तो एक ही जगह किया हूँ, मगर जहाँ छोड़ा हूँ दोबारा गया नहीं। लॉयल्टी है। एक और चीज है, जितने भी स्टाफ है सब सारे आप ही के गाँव के है, सब इंटरलिंक्ड है, सब इसलिए ज्यादा लोग जाते भी नहीं है। क्या लगता है मेरा फान तो ये रिश्तेदारी में, ठीक है, इसलिए दोबारा बताते। जाकिर भाई आप बताइए क्यों रखना चाहिए लोगों को पलाई पर यहाँ पर, क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आप ही हो, राइट? आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो कस्टमर्स को? अब कैसा कस्टमर कभी रात हुआ फोन किया कि भाई मैं आ रहा हूँ, थोड़ा कट टाइम में फंसा था। अच्छा, ऐसे कोई भी टाइम पे कभी कभार एक्सेप्शन दे देते? हाँ कभी कभार। और यानी ये आप बार बार ना करे, ये लोगों को भी सोना होता है, ठीक है। और किसा कभी किसा कोई वीडियो जाती है क्या? नहीं, क्योंकि कुछ कुछ फार्म्स जो है वो पहले अगर किसी ने पलाई पे बकरे रखा तो वो साफ साफ बोलते हैं कि पहले 2 महीने हम वीडियो नहीं देखे ना तो वजन की वीडियो। आपका क्या पॉलिसी आप देते हो? मैं पॉलिसी ये देता हूँ कि भाई कि जैसा हुआ कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, मैं हर काम मेरे ऊपर रहता है, तो उनको बोलता हूँ एक बार महीने में मुझे याद करवा के बोल दो कि भाई कि मुझे कि मेरे बकरे का वीडियो भेज दो, क्या हुआ तुम फोन करके पूछ सकते हो कि भाई मेरा बकरा खाया कि नहीं खाया, बुखार में है, बीमार हुआ कि नहीं हुआ। उनको हर टाइम, तो मैं जैसा बीमार हुआ कुछ हुआ टेम्परेचर आया तो मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ भाई आपका बकरा इतना बुखार आया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया मोहम्मद भाई। एक आप ऐसे लौते फार्मर हो जिन्होंने सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है नंबर जो है जाकिर भाई का डालते हो। यू नेवर फेल द नेसेसिटी के भाई अरे क्या हो जाएगा, मेरा नंबर ही नहीं है, मैं तो ओनर हूँ, कभी ऐसे दिमाग में आपके ख्याल आया? वही तो ओनर है फार्म का, इनडायरेक्टली यही है, इन अ वे यही है, यस यस, रेट भी उसी को पता है। चलिए मोहम्मद भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हमजा भाई। Now he is the second person to have stayed with you along with the staff. Most of his bhai ke saath. Yes. Hamza bhai se bhi baat karenge, but pehle bakra bata dijiye. Surma 2 hai kiska apne team MD ka? Team MD ka hi hai. Kitne daanton par hai? Kya wazan? Kya hai? 6 daant. 8 daant. 8 daant kar liya hai Fahad bhai. हाँ. और 41 height पे. Hamza bhai थोड़ा पीछे. अच्छा हाँ 43 height है. माशाल्लाह length when देखो ना Fahad bhai. वजन कितना है जाकिर भाई? 107 kg है, सिंग इंटैक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह सिंग जाड़ी है और इंटैक्ट है, इंटैक्ट सिंग, ठीक है, एंड ये अवेलेबल है बिक्री के लिए। yes. प्राइस जो है वो आपको जाकिर भाई ही बता देंगे। जाकिर भाई, हमजा भाई से बात करें हम, करना हमजा है भाई, क्या क्या बोलते हैं आपके बारे में? हमजा भाई आप बकरा रखिए, बकरा कोई पकड़ो, हमजा भाई आप थोड़ा, ठीक है हमजा भाई, हाँ भाई बताइए आपका, आपकी जर्नी कैसी रही विद टीम एमडी एंड व्हाई शुड पीपल कीप देयर गोट्स एट टीम एमडी? एट एमडी गोट्स में सबसे बड़ा हाथ पैर तो इसका है। बहुत है, वहां पे जाइए माइक। अरे नाम चेंज होने में सबसे बड़ा हाथ पैर सर सब इसी का है। क्यों मोहम्मद भाई ये वो खुद बताएगा आज। हमजा भाई मैंने सुना हूं कि ये बात सही है कि आप सीक्रेटली ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड करते थे और पास ऑन करते थे लोगों को? नहीं नहीं गलत बात है। तो ये क्या बोल रहे फिर, कैसे आपका योगदान है? नहीं योगदान ऐसा है भाई, एमडी खुल लेना, अपन ने उनको सजेशन दिए है भाई। समझे? हाँ। जैसा एक आदमी को क्या है सब चीज मालूम होगी, भी अगर अंधा बना हुआ है भाई तो वो आदमी ही गलती है ना भाई, फिर तो उसकी गलती नहीं। मार्गदर्शन दिया? हाँ मार्गदर्शन आपने किया है। हाँ ओके, तो मैंने उनको समझाया भाई, जब आदमी अगर अपने वो दिखता है वो उठते बैठते भी अपन उनको भाई बोलते हैं, तो अपन दिल से भाई बोलते हैं, ऐसे थोड़ी खाली मुंह से भाई बोलते हैं भाई, है ना। तो अगर भाई के अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलना तो बनता है ना, तो अपन ने बोले। चलिए तो उसी के बदौलत एमडी गोट फार्म खुला मोहम्मद भाई? नहीं उसी के बदौलत नहीं, फिर उनके खुद की बत्ती जली भाई एक दिन शायरी में।
फिर एक वीडियो मैंने पोस्ट भी किया था जिसमें हमजा खुद ही कलर मार रहा था। कोई नहीं बोल सकता है। अच्छा, वो नाम मिटाने में भी इसका हाथ। मोहम्मद भाई, हमजा भाई बताइए लोगों को क्यों रखना चाहिए एमडी गोट फार्म पे बकरे अपने पलाई पर? एमडी गोट फार्म पे बकरे इसके रखना चाहिए भाई, क्योंकि पहले तो आप फार्म पे यहाँ पर आओ और ऐसा सुकून में यहाँ पर आके बैठो ना भाई, कि ऐसा सुकून तुमको कहीं मिलेगा ही नहीं भाई। दूसरी पहली बात तो एक सुकून, दूसरी बात तो यहाँ पर एक अपनापन तुम्हारे को मिलेगा भाई। कि ऐसा क्या मोहम्मद भाई को बहुत सारे लोग वीडियो में देख के लगते हैं भाई ये बहुत बहुत अकड़ू होगा, सीधे से बात नहीं करेगा, ऐसा वैसा, समझे? लेकिन यहाँ आके बैठे हुआ आदमी एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है। बात बिल्कुल सही है, बहुत से लोगों ने बोला है कि बंदे में इतना एटीट्यूड है क्या? हाँ। की दुकान है ना ये ना वो, और उसके बाद रिसेंट का तो आपको पता चलेगा। उसके बाद में हमको आपको एक रिसेंट का वो बताता हूँ भाई, ऐसे भी लोग रहते है भाई, समझे? क्या एक कस्टमर यहाँ पर आया, मोहम्मद भाई थे नहीं, ठीक है, मोहम्मद भाई ट्रैफिक में फंसे हुए, तो मोहम्मद भाई आए यहाँ पर, तो मोहम्मद भाई आके उनसे मिले भी ले, ठीक है। अब बंदे के पास बेचारे पास सिगरेट नहीं थी, तो अपन ने उनको सिगरेट पिलाए, चाय पिलाए, ठंडा पिलाए, समझे, सब किए। उसके बाद अपनी रील एक आई भाई, तो उसके ऊपर बंदा यहाँ कमेंट करता है कि भाई लोग आए तो सही से मिले तो कहीं कम से कम, तो अभी सही से और कैसा मिला जाता है बताइए आप हमको। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, तो सही से कैसा मिलने का मतलब? नहीं तो आप आके फिर मिले ही नहीं। मैं आया उनसे हाथ मिला। माइक 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 लेके थोड़ा आप नजदीक आइए, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। हाँ बस बस बस, क्या कहिए? मैं आया, हाँ, काम से पास ही गया हुआ था, मैं आया गाड़ी लगाया, इतने में वो लोग सब आए, सबसे हाथ वात मिलाया और तभी उतरा हुआ था मैं यहाँ पे, तो वो लोग बात भी किए। एक्चुअली उससे पहले सिगरेट चाय वाय सब पी चुके थे, मेरे को बोले बकरे देख के आते, देख सकते? तो मतलब हाँ भाई जाओ ना देखो, इतना अच्छा हाथ मिलाया, बात भी किया और भेजा भी उनको बकरे देखने। मैं फ्रेश होने अंदर चला गया, फिर शायद देख वेख के गए, और उसी दिन मैंने कोई एक रील्स डाला था, उसके अंदर आके कमेंट, भाई तुम तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले, ढंग से बात भी नहीं करते, तो आप क्या सो के बात करो? हर किसी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अरे बट कैसे, तुम आए हो, मिले हो, सिगरेट पियो हो, चाय पियो, उसके बाद सब बकरे देखे हो, और उसके बाद जाके कमेंट कर रहे हो? चाहते क्या थे वो आप गले में? आई डोंट नो, पता ही नहीं ना, अगर बोलो तो मैं जवाब दूं ना उनको। पूछ लेना था, मिले तो पूछू ना अभी। ठीक है, ये है बकरा बिक्री के लिए। यस, फॉर सेल है। For price, please get in touch with Zakir bhai or Mohammed bhai. Yes, Fahd. ठीक है, let's move on to the next. अब Mohammed bhai क्या बताएंगे? Yes, बकरे ही बताएंगे आज Fahd bhai. जी जी. लाओ. मंदिला. अच्छा वो दोनों लाएगा? हाँ ये ला, चल फटाफट फटाफट. ला अंसा, ला अंसा, ला. दो 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 आप दो दो बताते हैं. सामने सामने, आमने सामने खड़ा कर. खड़े हो ना यार हमजा, मुस्तफिज भाई आओ ना यार. मुस्तफिज भाई आइए, आपको रुका के रखे मुस्तफिज भाई, दैट्स ओके, सबको तो पता है. पीछे ले थोड़ा. मुस्तफिज भाई आ रहे हैं, मुस्तफिज भाई नमाज पढ़ने गए. अच्छा नमाज पढ़ने गए 9 बजे? ऐसा सामने खड़ा था. ये हमारे भाई है, उनको दिया हो नाम उनका? अहमदी गोट फार्म है ना? अच्छा वो अहमदी फैमिली फार्म, अहमद फैमिली फार्म, वो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. हर कमेंट में, हर रील्स में कमेंट आते हैं उनके, मेरे इस पे भी आते हैं, आपके इस पे भी आते हैं, मैंने देख चुका हूँ. और वो बकरा किसका है आखिर? वो अली भाई का बकरा. अच्छा हाँ, अपने अली भाई का बकरा, अली रजा भाई, अली रजा भाई का फोर सेल है और इनका नॉट फोर सेल है ना जाकिर? चलिए हमजा भाई जरा चला के बता सकते हो अली रजा भाई का चाल फिर? नहीं नहीं वो पकड़ेंगे बराबर, उनको आदत है. थैंक यू मुस्तफिज भाई फॉर कमिंग. बताइए क्या डिटेल्स है? रस्सी पकड़ के चला ना, खेलना वहीं. आप कान छोड़ोगे तो फिर दिखेगा बकरा. खेलना खेल वहीं. हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह. यस जी, क्या डिटेल्स है मोहम्मद भाई बकरी की? 41 हाइट, वजन 101 किलो, 41 हाइट, और दांत कितने हैं? 8 दांत किया है, चंचल बकरा है और जेड ब्लैक कलर में. फाद भाई खूबसूरत बकरा है और तैयार बकरा, फार्म सेड बकरा है फाद जी. जी जी, और सिंग विंग इंटैक्ट है ना? इंटैक्ट है, इंटैक्ट, नॉट बीन डैमेज्ड एट ऑल. यस यस फाद भाई. प्राइस के लिए बेशक आप संपर्क करें,
जाकिर को कांटेक्ट कर लीजिए। एक और मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई आप यहाँ पे फार्म का प्राइस पूछ लीजिए, जब देवनार मंडी खुलेगी ना तब आप देवनार में भी जाके बकरों के प्राइस पूछना और कंपेयर करना, कंपेयर करना, उसके बाद फार्म से लेना या देवनार से लेना वो आपका डिसीजन। और मेरा ब्लॉग जरूर देखना, आपको पता चलेगा। फात भाई का ब्लॉग आता है, काफी ब्लॉग आते हैं, एक ब्लॉग साथ में बनाएंगे ना इंशाल्लाह, मजा आएगा। ये बार बहुत लोग आने वाले, वो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती नहीं कि सब दबा के खड़े हुए जरा। मुसरी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने रात को हमारे लिए कुर्बानी दी है उन्होंने अपनी, बहुत बहुत शुक्रिया मुसरफिस भाई आपका। छोड़ देना थे, पकड़ 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 नहीं माइक दो है चल जाएगा। मोहन भाई ये आपके खोपड़ी पे क्या हुआ, माथे पे बकरे ने मारा? उसने मारा, पुष्पा ने मारा। वहाँ पे वहाँ पे जी मोहम्मद भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मोहम्मद भाई अहमदी, अरे बकरे की तो इज्जत करो, ऐसा तान के खड़ा करो, तुम तन के खड़े हो यार। जी 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 अहमदी फैमिली फार्म, यस, उनके बकरे के बारे में। रस्सी पकड़ के खेलो ना उसके साथ, नहीं रस्सी पकड़ो, हमजा कैसा दूर पकड़ के खड़ा है वैसा खड़े रहो ना जी। मुसरफिस भाई खेलिए, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, वहां नहीं, वहां छोड़ना नहीं, नहीं। व्हाट आर वी डूइंग? एक्चुअली उम्र हो चुकी है, देखो लोग बोलते ना कि उम्र के साथ साथ नहीं, मेरा भाई मजबूत है भाई, बकरा ज्यादा मजबूत है। हाँ नहीं नहीं मुसरफिस भाई प्रीटी फिट, एक रिसेंट ब्लॉग आपने डाला था, वो भाग रहे धूप में, इतना फास्ट भागे थे वो रियल में फास्ट भागे। मैंने इतनी रील बनाया उस दिन, पता नहीं आपने कैसे कन्विंस कर डाला इनको, किनको? मुसरफिस भाई स्लोमो के लिए कन्विंस किया था ना, बाद में मैंने उसको फास्ट देखा भी होगा ना, हर वीडियो मिलियंस में जा रही है। अच्छा ऐसा था तो माशाल्लाह। देखो मोहम्मद भाई क्योंकि आपकी इतनी सारी वीडियो मिलियंस में जा रही है, हाँ। प्रेशर आ गया होगा कस्टमर से, भाई मेरा भी बकरा लो ना भाई, उसकी भी रील बनाओ ना, उसकी भी भर जाते भाई, डीएम भर जाते हैं जाकिर को फोन कर करके। मैं बोलता हूँ जाकिर को आप याद दिलाओ, अब गर्मी के टाइम पे एक या दो बकरे मैं निकाल निकाल के कर। चलो 200 लोगों ने बोल दिए मेरे बकरे के साथ स्लोमो बनाओ और इंस्टाग्राम पे डालो, व्हाट यू डूइंग? कोशिश पूरी करता हूँ फात भाई, कोशिश तो करता हूँ, नहीं हो पाता है, कोशिश करता हूँ भाई। गर्मी इतनी, आप खुद आके देखो पता चलेगा। यस यस है ना, मोहम्मद भाई कैमरा पकड़ेगा, आप स्लो मोशन करो, हाँ, हो गया मालूम पड़ेगा। मोहम्मद भाई क्या डिटेल्स है, डिटेल अभी क्या जाकिर इसकी 93-94 केजी हंसा बकरा है, जरा रस्सी पकड़ना, उसकी दाढ़ी देखो वो इटावा वाली दाढ़ी ना, छोड़ना नहीं, हमजा के पैर पे बांध रस्सी, खूबसूरत है, अपने केज में भागता है सीधा, रुकता नहीं है फात भाई, थोड़ा शांत है, शांत नहीं आड़ी मारता है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ओके, ट्राई करना है मुसरफिस भाई, पूरे दांत पे है वो, नहीं वो घर पे जाने की कोशिश कर रहा है। मुसरफिस भाई खेलिए आप उसके साथ, खेलेगा नहीं, भागने देंगे। अच्छा नहीं खेलना जरा, हमजा भाई आप खेलिए, नहीं वो भाग के जाएगा बराबर, अपने केज में भागता है। चलो नेक्स्ट दिखाएंगे, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, इसको डाल दीजिए अंदर। अहमद भाई बहुत अच्छा बकरा है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं पा रहा है वो, क्योंकि रात का समय है। स्टॉप पॉज कर रहा हूं मैं, अजान हो गया। यस अजान हो। मोहम्मद भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गोट। मोहम्मद भाई यस फात भाई, किसके बकरे बता रहे हो आप हमें? सलीम नोमानी एंड ग्रुप के राइट साइड वाला, वो साइड वाला ब्लैक एंड व्हाइट, और ये जिशान भाई उत्तन। मोहम्मद भाई यू मस्ट कम हियर, यस, एंड लुक व्हाट डिफरेंस येलो कलर मेक्स ऑन अ ब्लैक एंड व्हाइट गोट, लुक्स आउटस्टैंडिंग ना, बहुत खूबसूरत एंड दिख रहा है, ब्राउन बकरा चेहरा यहां कर, इसका चेहरा यहां कर, बकरा भी माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है, लव इट। और सलीम नोमानी का कलेक्शन जो है वो हमेशा टॉप नॉच होता है, टॉप क्वालिटी रहता है, ही हैज ऑलवेज बीन फेथफुल टू योर फार्म। यस यस फादर भाई, इट्स लाइक थर्ड ईयर, हां थर्ड ईयर है, सेकंड और थर्ड ईयर, आई थिंक मैं 2 साल से कर रहा हूं उनके बकरे शूट। और लेफ्ट साइड वाला जिशान भाई का, उनके अभी नेक्स्ट ईयर के लिए भी आ गए ना जाकिर बकरे जिशान भाई के, आज भी एक आ रहा है वही बकरा रस्ते में, दोनों बकरे अच्छे, बट इफ आई हैव टू चूज वन द राइट हैंड साइड आउटस्टैंडिंग ट्रीम है, उसकी सिंग की लेंथ भी, फात भाई जब वो बकरा आया था एक्चुअली वो बकरा मैं खरीद रहा था जंगल में, लेकिन जब मैं देखा कि फ्रंट का साइज उसका, फ्रंट का साइज बहुत बड़ा है बट पीछे से एकदम छोटा था, तो मैंने छोड़ दिया। सलीम भाई लोग क्या बोल रहे हो, बकरे का, बकरे की बात कर रहा हूं, ओके ओके, बकरा आगे के दो पैर तक ना बहुत बड़ा था। अच्छा वैसे बोलो, फ्रंट साइड बहुत ब्रॉड में था और पीछे का साइज मतलब समझ जाओ नहीं था वो, ओके ओके ओके, लेंथ ये आपने सोर्स करके दिया उनको? नहीं मैंने छोड़ दिया था, उन्होंने खुद से सोर्स किए, उनके एक दोस्त ने, फिर वो बकरा यहाँ आया तो उनके आपस में झगड़े हो गए, अरे यार ये क्या ले लिया, ये क्या ले लिया, और मैं भी बोला यार नहीं लेना चाहिए था, मैं भी छोड़ चुका था। लेकिन अब जाके ये बकरा जो तैयार हुआ ना फात भाई, अब मैं सोचता हूँ नहीं छोड़ना चाहिए था मेरे को ये बकरा,
अभी बकरे की वैल्यू माशाल्लाह जबरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह है। मैं दोबारा लोगों को बोलूंगा कि भाई ऐसे बकरे अगर देवनार में आए तो आप एक बार प्राइस जरूर पूछे उनका। हाँ, मैं खुद कवर करूंगा देवनार और ऐसे बकरों का प्राइस मैं डालूंगा भाई। वहाँ आप कंपेयर नॉर्मल बकरों का कंपेयर कर लेना और उसके बाद में फार्म पे विजिट करके आप चाहे तो देवनार स्टार्ट होने से पहले भाव यहाँ से निकाल के जाओ और उसके बाद देवनार के भाव निकाल लेना। बट एक बात बोलूं क्या, अभी देवनार में जो है मोस्टली अलवर का ही माल आता है, अलवर ही माल आता है। कैलकुलेट अगर 1 लाख बकरे उतरेंगे तो उसमें से मेरे ख्याल से 75% अलवर का माल होता है। और इंटरेस्टिंगली नॉट इवन अ सिंगल अलवरी बकरा एट अ फार्म पलाई पे। क्यों ऐसे मोहम्मद भाई, लोगों को परहेज है वो बकरों से क्या? हकीकत में है, बॉम्बे के नहीं आते। हाँ, मुंबई के लोग ज्यादा कोटा हो गया, गुजरी हो गया, सिरोही हो गया, ये सब में इंटरेस्टेड है सोजत ओजत के अंदर। अलवरी बकरे, हाँ? किसी ने ना बीटल के बारे में ही बोला था भाई, बीटल बकरे है, ज्यादा लोग चाह नहीं रहे, वैसी व्यूज नहीं आ रही है। मैं बता दूं, बीटल हैदराबादी अलवरी अलवरी इनकी डिमांड ना के बराबर है मुंबई में, ना के बराबर है आउटसाइड का पता। आपके फार्म पे 500 के ऊपर बकरे है, कितने बीटल बकरे हो गए पलाई पर? 4-5। 500 में से 2 बीटल बकरे लोगों ने पाले है, यानी अलवरी पब्लिक पसंद ही नहीं करती है बॉम्बे में। 3 अलवरी है। Why is it that people don't like beetle goats? नहीं करते फाद भाई, पंजाबी पूरा लॉर्ड लास्ट ईयर आया था, क्या बिका फाद? नहीं बिका, अच्छा खासा नुकसान हुआ था सलमान को उसके अंदर। बट ये हम डिस्करेज नहीं कर रहे बीटल बेचने वाले को, हम ये कह रहे हैं कि आप टारगेट जो करते हो ऑडियंस ना, yes. बॉम्बे को ना करे क्योंकि बॉम्बे में उनकी डिमांड नहीं है। नहीं है, बॉम्बे वाले को एंटरटेनिंग गोट्स पसंद है और वैरायटी पसंद है। जब यहाँ आते ना फाद भाई, अपने रील से भी मारने वाला बकरा, हालांकि वो सोल्ड हो गया जिसमें हमजा को दौड़ा के मारा, कल एक रील डाला उसमें दौड़ा के मारा, वही बकरा है। अब बच्चे जब आएंगे तो भाई मारने वाला बकरा, तो सीन ऐसा है तो अपने सब बकरे मारते हैं। देवनार में भी अगर कोई जाता है बकरे खरीदने, सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, उसके पीठ पे थपाएंगे कि चिल्लाता है, क्या क्या पलट के मारता है, क्या पलट के मार लिया तो अरे डेडी प्राइस, तो फिर सब खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा बता दे, सलीम नोमानी का राइट साइड बकरा है, नाम क्या है बकरे का? बकरे का नाम कुछ, नाम क्या था उसका? चले ध्यान में नहीं है, सलीम भाई बोल दिया क्या हो गया। और जिशन क्या नाम रखे, हाइट क्या है? 39, दोनों 39 के आसपास ही है, फिर दोनों बराबर है माशाल्लाह। yes. और वो जिशान भाई का बकरा बिक्री के लिए है? नहीं, उसका फोर सेल नहीं है। सलीम नोमानी भाई का भी नहीं, नहीं नहीं। और ये सारे कुर्बानी के हैं, सारे कुर्बानी के बकरे हैं। ये पलटी होगा बकरा, क्या रुके, कुर्बानी है। ओके ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वेलकम फाद भाई। कौन है आपके स्टाफ जो होल्ड कर रहे हैं? रिजवान और रिजवान और खुशबू, थैंक यू रिजवान खुशबू। चलिए डालिए दूसरे दोला, याक और ये ला। याक मेरे ख्याल से आप कवर कर चुके हैं पहले। हाँ, कर चुके हैं। ये एक सैफ अली, वहाँ लेके खड़े रहना है, सेम वैसे ही। मोहम्मद भाई, इतने फार्म खुल रहे हैं पलाई के यहाँ पर, आई डोंट नो पलाई क्या कंटिन्यू करेंगे, एटलीस्ट ट्रेडिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ। इतने फार्म्स खुल रहे हैं, मेरे को शूट रिक्वेस्ट दिन में 3-4 फार्म की आ जाती है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बट आपको क्या लगता है, आप पे दबाव ज्यादा हो गया अभी कि भाई? कुछ भी नहीं, जीरो। तो ये आप जो रिवीजन डाले हो 3800, हाँ। आपको लगता है नए फार्म खुलने की वजह से आप पे दबाव रहेगा कि ये वापस से कम करें? कुछ भी नहीं, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है फाद भाई, ये पट्टा वही है। अगर हम सोचने गए तो आसपास में कई फार्म है जिनके यहाँ पलाई पे बकरे खड़े हुए, कितने फार्म है ऐसे जहाँ पे बकरे है पलाई पे, और मेरे यहाँ भी है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फार्म चालू भी होते हैं, फार्म बंद भी होते हैं, होल्ड करके रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है फाद भाई, रिजल्ट देना। राइट राइट राइट, यस। अगर रिजल्ट दूंगा तब तक मेरा फार्म चलेगा, जिस दिन रिजल्ट नहीं दूंगा पैक अप। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू गोट्स। एक तो याक है अपना माशाल्लाह, जो है वो याक है, राइट। हाँ, और लेफ्ट साइड वाला अपने अली भाई का सैफ अली है, जो फॉर सेल भी है। ये याक वही ममडी का बकरा है जो पहले था, ममडी का था पहले? नहीं नहीं, ये मेरा ही था, श्रीवर्धन का। अच्छा अच्छा, ये बिक्री के लिए निकाला था आपने? एक्चुअली बिक गया था, किसी ने लिया था, फिर अपने पास रिटर्न आया, ऐसा था सीन। वैसे श्रीवर्धन में गया था, एंड व्हाट एन इंटरेस्टिंग प्लेस। रास्ता क्या है वहाँ का? बहुत खूबसूरत जगह है, एंड रात में तो मेरे को एक जैकेट पहननी पड़ी रिटर्न आने के वक्त, इतनी ठंड थी। ये मौसम है, मच्छी अच्छी खाई क्या नहीं वहाँ पे? नहीं, मुझे वो खिलाया नहीं उन्होंने, कुछ खिलाया नहीं यहाँ पे, है ना, कुछ बात करता हूँ, होटल में खिलाया। हाँ, नहीं नहीं, माशाल्लाह ही वाज वेरी हॉस्पिटेबल, लेकिन हमें जल्दी निकलना था। हाँ, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन
और बकरे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं हमारे, बकरे बहुत अच्छे थे लास्ट ईयर में, अच्छे खासे बकरे लेके आया था, अलेक्जेंडर याक सैफ अली, ये अपना वो अपना ममदी वाला क्या नाम है उसका, बटला सल्लू, ये सब वहीं से लाया था फाद भाई। खूबसूरत बकरे फाद भाई, दोनों फॉर सेल है। ठीक मैं उनका डिटेल्स बताइए, याक की ऑन द राइट हैंड साइड, जाकिर सेठ, जाकिर भाई यहाँ आ जा, रख दे फोन, आठ दांत पे होगा, आठ दांत, याक के सैफ अली भी आठ दांत किया है। वजन क्या दोनों का? 100 किलो पे, दोनों 100 के आसपास है, दोनों आठ दांत है और दोनों मेरे ख्याल से 38 हाइट होगी ना, 38 हाइट के है बकरे। एक रस्सी जी जी हाँ खेलो उसे। ये कौन सी नस्ल का बकरा है मोहम्मद भाई? मोहम्मद भाई सोजत में क्रॉस, ओके। देखिए बॉम्बे में ऐसे बकरे चलते हैं, यानी उछलो कूदो मारो रुबाब वाले माशाल्लाह। ठीक है, क्या दाम है ये भी प्राइस फोन पे बताओ, आप कॉल कर लो मैं बता दूंगा जो भी प्राइस है, कुछ इतना आसमान छूने वाला प्राइस तो है ही नहीं पाता। चलिए फेल ऑफ, ये इसके इसको चला यार छोड़ दे उसको, याक को छोड़ ही दे वो भागेगा नहीं, इसको हटाओ इसको हटाओ, वो भागता है याक डायरेक्ट, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, खेलो खेलो खेलो, भागेगा वो सीधा अंदर भागेगा। चलिए देख लिया आपने, पैर पुर्जे का इंटैक्ट है, खाली वहां से वहां भागा है, 2 मिलियन व्यूज गए इसके, ये याक हाँ, यहाँ से वहां भागा है खाली, डाल दे अंदर, चलो लेके वहां पे छोड़ो जरा याक पे, एक बार कोने में, कोने में यार, दूसरा दे ले जा, गले में रस्सी डालो तो निकाल लेता है, जिसकी वजह से पैरों में बांधना पड़ता, छोड़ो छोड़ो छोड़ दे छोड़ दे, बकरा देखो ना पाता है, चलिए आप आइए देख लीजिए चलता फिरता, आप अगर मुतमईन हो तो बकरा खरीदे इनसे, ये दोला फटाफट भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू। यस यस, कितने बकरे बता दिए अभी हमने, आठ छह नहीं ज्यादा बताया, छह बताए क्या, आठ बताए, ज्यादा बता दिए, छह बताए, ले फटाफट दोबारा बता दे आप नेक्स्ट ईयर सीजन के लिए जून एंड बकरे भेज सकते हो पलाई पर, जून 16-17 जब भी ईद है, मतलब ईद कब है, 17 को ईद है, आप बकरे भेजिए पलाई पर, ऊपर कर मोस का एक मिनट, 17 के बाद अभी भी है कुछ जगह खाली, ऊपर कर, यस मोहम्मद भाई 41 हाइट फाद भाई, मोहम्मद भाई ये वो है जो कवर फोटो में लिया, बुल है ये, हाँ बुल 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 2 माशाल्लाह ममदी का कलेक्शन है और 4 सेल है। वजन क्या है जाकिर? 101 केजी फाद भाई, 101 केजी बुल, और हाइट कितनी है मोहम्मद भाई? 41 हाइट का बकरा है, वेरी अग्रेसिव गोट, यस माशाल्लाह। उसका चेहरा थोड़ा ऐसे करो ये वाले बकरे का, उसको चेहरा वहां दिखा। मोहम्मद भाई एक टेंटेटिव प्राइस बता सकते हो कि ये कितना, लाख के अंदर, सवा लाख के अंदर, डेढ़ लाख के अंदर? सवा लाख डेढ़ लाख सब है फाद भाई, मैं बोला ना मेरे पास 35,000 से स्टार्ट है, ओके तो मैं दे सकता हूँ ना लाख नहीं, 35,000 के तो कोई बकरे दिख नहीं रहे आते हुए अभी इस सीजन में, आई मीन इस सीरीज में तो नहीं, ये वीडियो में नहीं है ना, ये बड़े बकरे आपने ही बोले ना निकालने का, छुटुर मुटुर नहीं निकालना, ऐसा कब बोला मैंने? ऑफ कैमरा भाई, ये सलीम भाई का सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला बकरा माशाल्लाह। क्या नाम है बकरे का? बकरे का नाम सब सलीम भाई टीम को ही पता है, मौदे थोड़ा पीछे ना, और शो भी नहीं हुए हैं फाद भाई, ये बकरा शो नहीं हुआ है माशाल्लाह, बहुत रुबाबदार, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ आनल, फुल गुलाबी। क्या वेट पे आया था जाकिर ये बकरा? 70 किलो 65 किलो पे आया था माशाल्लाह, 65 किलो पे आया था, आज कितने किलो पे खड़ा है? 105 वही 108 के आसपास, 105 माशाल्लाह, कमान वमान भी जबरदस्त आई है बकरे में, चला के दिखा अब वो बकरे को, चला वहां से, ये बिक्री के लिए 6 दांत का बकरा है, कौन सा नहीं, सलीम नोमान का इंटरेस्टिंग पार्ट, उनके सारे बकरों की सिंग बहुत बड़ी बड़ी है, हाँ है ना, ही हैज गॉट अ टेस्ट फॉर हॉर्न्स, हॉर्न्स भी, गुलाबीपन भी और खूबसूरती फाद भाई। मोहम्मद भाई आप थोड़ा हटोगे जी, ये हमारे ममदी भाई ने लिए, अग्रेसिव बकरा है ये, ममदी भाई तो बेचने के लिए लिए होंगे मेरे ख्याल से, हाँ वो सेलर है हमारे भाई, पैसे बहुत है, टेंशन नहीं है, विक्रेता है ममदी भाई और बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के बकरे लाते हैं कोटा में, उनका भाई अभी वो कोटा गया था और उसके बाद आके बोलते हैं मोहम्मद भाई वहां से यार उससे अच्छा तो रेट यहाँ का है, फट गई, खाली 2 बकरे लेके आए वहां से। एक और बात मैं बता दूं, ममदी भाई भी जो है वो भले हालांकि हर बार वीडियो में ना दिखे, हाँ। बट हम जब भी बुलाते फोन करके आ जाते हैं, आता है, आता है, so, he is very kind and he has always been very loyal.
पीपल है। पहले हमसे लड़ते थे लेकिन अब जब हमारे साथ है तो हमारे लिए लड़ते हैं। हाँ लड़ता है भाई, वो कमेंट बॉक्स में घुस घुस के मार के आता है भाई, वही काइंड कमेंट बॉक्स में घुस के मार के आता है उसका ऐसा। चलिए वो एक बुल जो है बिक्री के लिए है। कितने दांत पे है वो? आठ दांत 41 101। देख लो दांत, देख लो दांत, देखो उसका छह पे मैं देखा हूं सर्किट भाई, देख ले छह ही पे हो, देख चुका हूं छह है भाई, छह दांत 41 हाइट 101 छह दांत 41 हाइट 101 केजी। और ये जो है पलटी भी कर सकते हैं फात भाई उसको। यस बट ये वाला जो है ये चला के दिखा, आप खाली उसकी पिछवाड़ी दिखाते हो। चला अभी चला, प्रॉपर खड़े रुकता नहीं है, भागेगा ना, छोड़ना अभी रस्सी खेल। हाँ खेलो खेलो खेलो। हाँ ये खेल। खेलने वाला बकरा है माशाल्लाह, इस तरफ इस तरफ। यस माशाल्लाह। हाँ खाली पिछ लेके ले गया उसको कोने में, कोने में लेके गया खाली पिछवाड़ा। बता तू वहां पर मत खड़े रहे बेटा, तू यहाँ पर खड़े, तू ऐसा आना। हाँ चल अब चलते रहे। वापस मोदे आप पकड़ लो ना, आप हैंडल कर लो। हाँ हाँ मैं करता हूँ भाई, एक फटका दिया एक ने अपने बकरे, तभी तो पैसे दे के जाते ना। चले खेलो खेलो, सिंह से धक्का दो आप, धक्का दो। वो घुसा के मारेगा, वो सब तोड़ेगा उधर का। दो दो धक्का दो, कुछ तो करो, एक बार धक्का दे दे। चल इधर 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 उछलना चाहिए कैमरे की तरफ, पकड़ के रुका दे। खाली पिछाड़ी दिख रही है उसकी, नहीं हमजा रुकाएगा ना उसको अभी। आप धक्का दो और वो बाजू घसीटो, नहीं रुकेगा, पूरा तोड़ के लेके। कोई बात नहीं, चलिए सलीम नोमानी भाई हमने पूरी कोशिश की। उबैद कोशिश करेगा, उबैद भाई, उबैद भाई जाओ, जा सामने से सिंह पकड़। उबैद भाई जाओ, जा जाओ जाओ जल्दी आओ, सामने से सिंह रुकाना है, तेरे को भी रुकना है साथ में, चल जल्दी। 500 देना, देखो आवाज आएगी। 500 देना उसको, 500 देना मुझे इसको, 500 मिलेगा तेरे को, अमजद देगा। हाँ उबैद भाई पकड़ के बकरा ऐसा, कैमरे चेहरा मेरी तरफ होना चाहिए, घुमाओ और घुमाओ और वहां पे धक्का दो। हाँ तो कोने में लेके जा भाई, भाई अपने को बोलना इजी लगता है, वो स्टाफ की क्या हालत होती है, हम लोग कर नहीं हो तो कैमरा पकड़ दे। हाँ मैं पकड़ता था, आप पकड़ रुकाया ना। अब हमजा को बोलते ऐसा करके देखो, हमजा करेगा? नहीं। कर लेंगे हमजा भाई, नहीं नहीं कर, अरे जिम जाता कोई काम का नहीं भाई। रुकाया? हाँ उबैद ने रुकाया, रुकाया भाई। बकरे का चेहरा यहाँ दिखा, चेहरा मैं तो बोल बोल के थक गया, आप लोग खाली पिछाड़ी बताते हो, अगाड़ी भी बताओ। एक काम कर सुन भाई, कान पकड़ उसका, वो तरफ तू रहे और ये तरफ बकरे को रख। अल्ले जा, आप बता दो इनको, नहीं समझ रहा प्लीज को जाना। गो 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 गो, अरे एक शॉट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी, बहुत लंबी वीडियो है। अरे बकरे खाली पीछे का दिख रहा है, जाने तो डाल दो फिर। आप आए हो हमजा भाई मैदान में, थैंक यू हमजा भाई फॉर वॉलंटियरिंग। उबैद भाई आड़िया फील्ड से। हाँ तू अब हमजा भाई बताएंगे बकरा हैंडल कैसे करते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो फात भाई, सब बकरे अपने एग्रेसिव है माशाल्लाह, जैसी तैयारी चाहिए वैसी तैयारी, इतने गर्मी में मेंटेन रखे अपने आप को, वही बहुत बड़ी बात है। आप फोकस आप पे था, एक और बार हमजा, एक बार हमजा, हमजा भाई एक लास्ट बार हमजा, एक खाली मिलियंस में जाना है तेरा एक शॉट। अरे लेना है हमजा, एक सामने से होल्ड करके रख। ओवेद ओवेद छोड़ दे बेटा, तू हड़िया तू हड़िया। चलिए हो गया, नेक्स्ट ले ला फटाफट ला। मौदा बहुत अच्छे अच्छे बकरे देखने मिल रहे हैं माशाल्लाह, और इस समय शूट करने थोड़ा हिम्मत भी हो रही है, हिम्मत भी हो रही है। और एक बकरा ला साथ के लिए, और एक ला फटाफट लाओ। ये कौन सा आखिरी बकरा रहेगा मेरे ख्याल से? कितने हुए? आठ हुए, तो ये नौ हुआ है ना। हाँ तो एक और बकरा है ना बाकी। जी मोहम्मद ला फटाफट ला, बस खड़ा कर बात भाई। और एक खूबसूरत माशाल्लाह, किसका ये? इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई का बकरा है माशाल्लाह माशाल्लाह। मोदा बहुत जबरदस्त लग रहा है। अच्छा हिशाम भाई का है? वही सेम टीम एमडी का है। हाँ टीम एमडी का है।
कैसा है कलेक्शन, कैसा है माशाल्लाह? बताइए क्या डिटेल्स है इसकी मोहम्मद भाई? बाकी डिटेल क्या अभी? 107 किलो 107 किलो मेरे ख्याल से पूरे दांत पे है। यस। हाइट होगी 41 हाइट होगी। यस। ये सीधा बोले तो जरूर कुछ दाल में काला है। नहीं, बकरे कैसे लग रहे? बकरे माशाल्लाह बहुत खुशबू। बेटा हट, नहीं खुशबू नहीं है, कोई और है। अमजद। माशाल्लाह। मोहम्मद भाई दूसरे बकरे के बारे में बताओ आप। मस्तान। इसको पकड़। ये अपने मस्तान, अपने अली भाई का है, 4 सेली है। अच्छा, मस्तान अभी पेंडिंग है यानी बिका नहीं अब तक के? तो अली भाई क्या रेट मांग रहे हैं? इस अली भाई रीजनेबल क्या, कुछ ज्यादा क्या रेट मांग रहे हैं? अली भाई कॉल करो, बता देगा जाकिर फात भाई। वैसे मस्तान बहुत अच्छा बकरा है, लीजिए, पालने लायक बकरा है, खूबसूरत बकरा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है फात भाई, माशाल्लाह। और जाड़े चेहरे का है। जी जी जी, जरा खेल के दिखाना भाई, खेल के दिखाइए, एक बकरे को पकड़िए। और मोहम्मद भाई वीडियो एंड करने से पहले आप हिशाम भाई के बारे में कुछ दो अल्फाज बोलना। पहले बकरे बता दे हम, ये 10 बकरे हो गए ना? ये 10 हो गए ना? ठीक है, तो 10-10 का वीडियो बनाएंगे। 10-10 का, 10-10 का, 11 करो ना, जरा कुछ अच्छा लगता है। 11 ऑड नंबर, ठीक है, चलो ऑड है ना। हां, ला 11 वाला। मोहम्मद भाई उसको खेल के तो बताओ कुछ, खेल खेले को, इधर इधर रखो, गुजरी इधर उसको रुका। अमजद अमजद खेलना बेटा, उसे खेलना, बांध के रखो, उधर ही बांधो भाई, कितना कुछ करूं। अरे वो बहुत अग्रेसिव है, उसका मालूम है, हम लोग बनाए स्लोमो। किसका? वो मस्तान। हाँ, ये है हिशाम भाई का बकरा, माशाल्लाह वाकई में बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत बकरा माशाल्लाह। और वो उसके साथ खेला, सब 20-20 रुपया 20-20 रुपया एक एक जंप का लेते ना तुम? अच्छा, मैं लेता हूँ। माशाल्लाह ये अली भाई का है, खूबसूरत बकरा है, फरी है। और लोग बच्चे बोलते हैं ना मारने वाला, ये सब बकरे अपने आके लेके आओ ना। पूरे दांत किया है ना अली भाई का बकरा? यस, पूरे दांत किया हुआ। तू आप पिछवाड़ी मत दिखा, तू खाली पिछवाड़ी बताता है। देखो ऐसे में खेलना उसके साथ, उसको कोने में लेके आ, कैमरे पे चेहरा आना चाहिए। मैं तो बोल बोल के थक गया, आप भी 2 साल से बना रहे हो वीडियो। ये साइड आप जाओ, आप जाओ, फिर भाग जाते हैं यार वो लोग। अरे तो फिर वो लोग वहाँ पे चले आएंगे, बहुत बार यहाँ आना तू। चले कोई नहीं, ये है अली भाई का बकरा। लेट्स टेक द फाइनल वन। फाइनल वन, इसको हटा, उसका आओ, गुजरी लेके आओ। क्या बकरा निकालो माशाल्लाह, आजा मोदा। इसको इसको दूसरी वीडियो में, इसको अभी नहीं, इसको लेके लेके लेके, बहुत बड़ा बकरा। अच्छा वही ला, वो ले गया, वो सलीम भाई वाला ही ला। सलीम काम करो, इसको ले लो। ना 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 ना, वो नहीं नहीं नहीं, वाला वाला नहीं नहीं, आजा आजा, ला ला। मोहम्मद भाई कौन सा बकरा आप थोड़ा डसी का ये? हाँ मोहम्मद भाई, सलीम नोमानी से आपका कैसे रابطہ हुआ? कैन यू शेयर द स्टोरी? वो स्टार्टिंग से अपने से जॉइंट कैसे हुए मालूम है फात भाई? क्योंकि वो जाकिर के थ्रू हुए। अच्छा, वो पुराने फार्म से, पुराने फार्म से लिंक होके वो लोग जहाँ जाकिर रहता था वहीं पालते थे। तो जाकिर भाई ने भी अच्छे क्लाइंट्स लेके आया, पकड़ पकड़ के जाकिर भाई। है ना भाई, फात भाई सबकी मेहनत है यार। उसको रुका के रखा, उसको रुका, इसको घुमा। फात भाई 2 दांत का बच्चा लेके आए थे, आज भी याद है। उसका बेटा है ना, नूरा का बेटा, नूरा जी जूनियर। PPR में आया, वहां से रिकवर हुआ माशाल्लाह, और अब सेम फेस सेम चेहरा। और वही देखो सीना, नूरा के जैसा बना है, सीना वो छुप रहा है, बराबर पकड़ना उसको राजा। माशाल्लाह, ये अभी पूरे दांत कर चुका है ना मोहम्मद भाई के? 6 दांत पे है। हाँ, कितने दांत पे? 6 दांत पे फात भाई, पूरे पूरे किया है, किया पूरे। वजन कितना है जाकिर भाई इसका? 110 किलो 110। ये बिक्री के लिए है बाय एनी चांस? नॉट फॉर सेल? नहीं नहीं नहीं, ये साल कुर्बानी इसकी? सब कुर्बानी, सब कुर्बानी। चलिए उनके 2 या 3 जाते हैं, 4-5 जाते हैं कुर्बानी, बाकी फिर पलटी होते हैं। ठीक है, तो ये थे भाई हमारे 11 बकरे, 10 या 11 बकरे बता दिए वहाँ से खेल। मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई हिशाम भाई के फार्म की अपडेट दीजिए, क्या व्हाट इज द स्टेटस लाइक? प्रोग्रेस चालू है, बाउंड्री वॉल कंपाउंड तो पूरा हो गया, गेट लगना बाकी है, मीटर ऑन प्रोसेस। जैसा यहाँ पे बोलते हैं ना, BMC के काम के लिए हर चीज़ के लिए टाइम जाता है, तो प्रोसेसिंग में हर चीज़ चल रही है। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी धमाका करेंगे। और हिशाम भाई के बारे में कुछ दो अल्फाज बोल दीजिए। अभी थोड़ा सा दुखी हूँ उनको लेके, कल मेरा भाई हार गया क्योंकि KKR जीत गई ना।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर शोकेसिंग। आप बताइए आप लोगों को कैसे लगे एमडी के बकरे? यस, और काफी वीडियोस, बड़े बड़े बकरे आने वाले हैं इंशाल्लाह। डेली वीडियोस देखो आप, जब जब फाद भाई लिंक डालते हैं या मैं स्टोरी डालता हूँ, आप उस वीडियोस को जरूर देखो। जितने बड़े कोटा है मेरे पास, 100 कोटा के वीडियो वन शॉट आने वाले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ये थे टॉप 11 पार्ट 1। आपको कौन सा पसंद है वो जरूर कमेंट करना भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। उबैद तू खाली पीछे का बता उसका, ये साइड घूम, अब खेल सामने से पकड़ उसको, एक बार एक बार एक बार पकड़। मेरी जान का हाथ में पकड़। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई, विल रैप अप द वीडियो। वो करता ही नहीं है हमजा भाई, आप जाओ ना, आप ऐसे पकड़ के धक्का दो ना, इतना तो कर सकते हो ना, कहाँ मारता है सामने से, होल्ड करना खाली, जा ना बे। अरे अभी तो मैं पकड़ के एक हाथ से खड़ा था, काफी उम्मीदें हैं पब्लिक को, जाओ ना हमजा भाई। मैं अंडुल पकड़ता उस वीडियो में, बोल चुका हूँ तेरा भाई अंडुल पकड़ता है, इज नॉट फेयर। हाँ चल ना, ना एक देख लो सामने से पकड़, एक बार पकड़ उबैद, एक बार पकड़ना यार, इतना रील्स अपन साथ में बनाते हैं यार, ये इज्जत है क्या भाई? वो अंदर घुस के मारता है, माशाल्लाह, दिख गया बकरा है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच फॉर, वेलकम फाद भाई। पलाई के लिए जगह जून 15-16 से अवेलेबल होगी। यस, कीप योर गोट्स ऑन पलाई एट एमडी गोट फार्म। यस फाद, ठीक है, सी योर गोट्स ग्रो, आप आइए एंजॉय कीजिए, हैव अ गुड टाइम, एंड आई कैन गारंटी के भाई इस फार्म से अच्छी लोकेशन आपको एटलीस्ट फ्रॉम जून टिल सेप्टेम्बर अक्टूबर कहीं नहीं देखने मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ग्रीनरी लोनावला जाओ या यहाँ जाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।